ओके स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इवोल्यूशन यानी विकास की थ्योरी पढ़ ली थी। उसमें डार्विन का क्या सिद्धांत था, फिजमैन का क्या सिद्धांत था, लैमार्क का क्या सिद्धांत था, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी किताब है, और डार्विनियन फिंच किस चीज से रिलेटेड है, पक्षियों की भाषा क्या है, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की। ठीक है, अब हम एक न्यू सेगमेंट की तरफ चलते हैं और समझते हैं फूड चैन और फूड वेब के बारे में। समझ लीजिए कि यहाँ से हमारा इकोलॉजी वाला सेक्शन शुरू होता है, जो आपको कई बार ज्योग्राफी में भी देखने को मिलता है। ज्योग्राफी में भी हम इकोलॉजी, एनवायरमेंट, यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनवायरमेंट वगैरह से, उसके कुछ पोर्शन यहाँ पर कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फूड चैन। तो फूड चैन और फूड वेब, मैं जरा हेडिंग पहले डाल देता हूँ, उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे, फिर आगे कंसेप्ट को समझेंगे। यहां समझना है फूड चैन, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, ठीक है, खाद्य श्रृंखला। अच्छा, इसे आगे बढ़े तो इससे पहले हम ये जो वर्ड है फूड चेन, दो वर्ड के बारे में हमें समझना होगा। एक तो फूड चेन, फूड चेन क्या होता है, और दूसरा हमें समझना होगा कि फूड वेव क्या होता है। फूड वेव, फूड वेव क्या होता है, देखो फूड का तो सिंपल मतलब क्या है, भोजन, खाना। चेन का क्या मतलब है, चेन, अगर हम चेन देखते हैं तो चेन एक दूसरे से जुड़ा रहता है, चैन एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो यानी जब भोजन, भोजन एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड रहे, एक जानवर दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंड रहे, जैसे कि घास, ठीक है, घास, घास को खाए बकरी, बकरी को खाए आदमी, आदमी को खाए शेर, शेर को खाने, शेर जब मर जाए तो उसको खाए कीड़े मकोड़े, ये सब एक दूसरे पर डिपेंड है, ये एक चैन बना रहे हैं, इसे कहेंगे फूड चेन। लेकिन वेब क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फूड चेन एंड फूड वेब। वेब का मतलब क्या होता है, जैसे मकड़ी का जाला, अगर हम मकड़ी के जाले को देखते हैं तो किस तरीके से रहता है, इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं कि सेंटर में मकड़ी है, तो मकड़ी के पास जाने के लिए कई रास्ते हैं, इधर से भी जा सकती है, 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 इधर से भी जा सकती है। उसी तरीके से जब किसी के पास खाने के कई च्वाइसेस हो, जैसे जैसे अगर मैं कहूं कि सिंपल एक घास है, घास, और फिर यहां पर मैं एक पेड़ बना देता हूं, पेड़ में पत्तियां हैं, और यहां पर एक बकरी है, तो बकरी के पास अभी दो च्वाइस है, तो वो घास खा सकती है या पेड़ के पत्तों को खा सकती है ना, घास खा सकती है या पेड़ के पत्तों को खा सकती है। अब वहीं पर यहाँ ये बकरी है, और यहाँ मैं रख देता हूँ खरगोश, खरगोश, और यहाँ रख देता हूँ मैं शेर। अब शेर के पास देखो, शेर के पास भी दो च्वाइस होगी कि वो बकरी को खा सकता है या खरगोश को खा सकता है। यानी जब किसी कंज्यूमर के पास, देखो जो खाता है, जो खाता है किसी को, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर, क्योंकि खाने को हम क्या कहते हैं, कंज्यूम करना ना। तो दो वर्ड और समझने पड़ेंगे, एक तो हमें समझना होगा कि प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, और दूसरा हमें समझना होगा कंज्यूमर। देखो जिसे खाते हैं वो होता है प्रोड्यूसर, जिसे खाया जाता है वो होता है प्रोड्यूसर। जैसे बकरी के लिए घास क्या है, प्रोड्यूसर है, उसी तरीके से शेर के लिए बकरी क्या है, प्रोड्यूसर है। लेकिन जो खाता है उसे हम कहते हैं कंज्यूमर, जैसे घास को खाया बकरी ने, तो घास के लिए बकरी क्या है, कंज्यूमर है। बकरी को खाया शेर ने,
तो बकरी के लिए शेर क्या है? कंज्यूमर है। इतना क्लियर है? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में कोई दिक्कत नहीं। वापस आते हैं, फूड चेन और फूड वेब को डायग्राम के जरिए समझते हैं। जैसे अगर हम फूड चेन की बात करें, चलो यहाँ मैं ये ले लेता हूँ, फूड चेन की अगर मैं बात करूँ, देखो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें देखो ये है घास, घास को खाया इस ग्रास ऑफर ने यानी टिड्डे ने, टिड्डा भी तो घास खाता है, खाता है। इस टिड्डों को खाया इस चूहे ने, चूहा टिड्डा को खा गया, ठीक है, चूहा टिड्डा को खा गया, या कोई चिड़िया वगैरह ले लो, ठीक है, हम चूहा रखते हैं। चूहे ने खाया किसको? इस टिड्डे को। चूहे को खाया सांप ने, चूहे को खाया सांप ने, सांप को खाया बाज ने, सांप को खाया बाज ने, और जब बाज मर जाएगा तो उसे खा जाएंगे सारे फंगी, बैक्टीरिया, वायरस जो रहेंगे वो सब उसे खा जाएंगे, समझा? ये एक तरीके से क्या चल रहा है, एक चैन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से एक भी चीज गायब हो जाएगी तो पूरी की पूरी चीज खत्म हो जाएंगी। क्यों? भूख से मर जाएंगे, खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। सोचो अगर घास खत्म हो जाएगा, घास खत्म हो जाएगा तो टिड्डे खत्म हो जाएंगे, टिड्डे खत्म हो जाए तो माइस यानी चूहा खत्म हो जाएगा, चूहा खत्म हो जाएगा तो स्नेक खत्म हो जाएगा, स्नेक यानी तो सांप खत्म हो गया तो बाज क्या खाएगा, बाज खत्म हो जाए तो फंगी कहाँ रहेंगे। तो किसी भी एनवायरनमेंट में, वातावरण में, या अभी तो हम एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में फर्क समझेंगे आगे, किसी भी खाद्य श्रृंखला में, हम यूं कहें कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में यदि किसी एक का भी विलोपन होता है, विलुप्त हो जाती है कोई भी एक प्रजाति, तो उसका इफेक्ट जो रहता है दूसरे प्रजातियों पर भी पड़ता है। इसे हम कहते हैं फूड चेन, फूड चेन। लेकिन अगर वहीं हम फूड वेब की बात करें, फूड वेब, जाल जिसे कहते हैं, खाने का जाल, खाद्य जाल, तो भी कहने इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो जैसे घास है पूरा, ठीक है, अब घास को खरगोश खाए, ठीक है, या घास को ये इंसेक्ट खाए। अब घास को कई लोग खा रहे हैं, रैबिट भी खा रहा है, इंसेक्ट भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, इंसेक्ट भी खा रहा है, ठीक है। मान ले इन्हीं घास को चूहे खा ले रहे हैं, कुतर डाल रहे हैं, सब चूहे खा ले रहे हैं, ठीक है, चूहे खा ले रहे हैं। अब यहाँ हम लोमड़ी को देखते हैं, लोमड़ी के पास ये ऑप्शन है कि उसे रैबिट खाना है, रैबिट खा ले, चूहा खाना है, चूहा खा ले, ठीक है, कीड़े मकोड़े खाना है, कीड़े मकोड़े खा ले। उसी तरीके से ये उल्लू है, उल्लू के पास भी ऑप्शन है, उसे कीड़ा मकोड़ा खाना है, कीड़ा मकोड़ा खा ले, चूहा खाना है, चूहा खा ले। यहाँ मेंढक को उठा लेना है, मेंढक को उठा ले। सबसे ऊपर यहाँ है बाज, अब बाज के पास ऑप्शन है जो खरगोश खाना है, खरगोश ले जाए, लोमड़ी उठाना है, लोमड़ी उठा ले, आउल को खाना है, आउल को खा ले, फ्रॉग खाना है, फ्रॉग खा ले। यानी कि जब किसी के पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं तो किसी एक के खत्म होने से उनका जीवन खत्म नहीं होता है, समझा रहे? इसीलिए जो इकोलॉजी होता है, इकोलॉजी ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी जगह में हमें अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो डेवलपमेंट हमारा सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या है? जिसमें सबका ध्यान रखा जाए, इंसान के साथ साथ पशु पक्षी सबका ध्यान रखा जाए, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो फूड वेब और फूड चैन में ये फर्क समझ में आया। अब हम आते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में टाइप्स देखते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो हमने बात कर दी कि भाई जिसे खाया जाता है वो हो जाएगा प्रोड्यूसर, और जो खाएगा उसे हम कहेंगे कंज्यूमर, उसे हम कहेंगे कंज्यूमर। तो देखो प्रोड्यूसर यानी उत्पाद, उत्पाद उत्पादन करने वाला, कंज्यूमर यानी खाने वाला, खाने
वाला। तो देखो, इस पूरी पृथ्वी पर प्रोड्यूसर सिर्फ वही है जो अपना भोजन खुद बना पाते हैं, और अपना भोजन बनाने की क्षमता उन्हीं के पास है जो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। फोटो सिंथेसिस कर पाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए उन्हें चाहिए रहेगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो हम लोगों ने बड़े ही डिटेल से फोटोसिंथेसिस का चैप्टर कंप्लीट किया है। मैं यहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं बताऊंगा क्या होता है, जस्ट मैं ये बताऊंगा कि प्रोड्यूसर किसे कहेंगे। क्या इंसान प्रोड्यूसर की कैटेगरी में आता है? नहीं। इंसान अपना खाना बनाता है, मतलब कि हम भोजन को पकाते हैं, भोजन स्वयं प्रोड्यूस नहीं करते हैं। भोजन प्रोड्यूस कौन करता है? जो फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? तो पेड़ पौधे, जिनके पास क्लोरोफिल पाया जाता है। तो चाहे वो पेड़ पौधे हो जाए, आम खाना है, अमरूद खाना है, सेब खाना है, या फिर गेहूं चावल दाल मक्का वो खाना है, तो ये सारी की सारी चीजें जो नेचर में खुद उत्पन्न हो रही हैं, इससे सूरज के प्रकाश से। मैं यहाँ बनाता हूँ, जैसे यह है सन, ठीक है सन, अब सन से आएगी लाइट सनलाइट, इस सनलाइट को कंज्यूम करेंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, घास हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो, इन पेड़ पौधे हो जाए या घास हो जाए, इन सबके पास क्या रहता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ये सूरज की रोशनी में करेंगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, और बनाएंगे अपना भोजन। तो जो अपना भोजन खुद बनाता है उसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर यानी ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना भोजन खुद बना रहे हैं, और इन्हें टेक्नोलॉजिकल टर्म में कहते हैं स्वयंपोषी। स्वयंपोषी यानी ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, ठीक है, ऑटोट्रॉफ, स्वयंपोषी, स्वयंपोषी। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, घास हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? स्वयंपोषी है। अब जैसे पेड़ पौधे होते हैं, मैंने पेड़ पौधों के बारे में बताया था कि कुछ पेड़ पौधों को ज्यादा सूरज की रोशनी की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए, और कुछ को कम रोशनी की जरूरत होती है, जिन्हें हम अपने घर में भी रख लेते हैं। तो जिन्हें कम रोशनी की जरूरत है उन्हें हम कहेंगे इंटीरियर प्लांट, और जिन्हें अधिक रोशनी की जरूरत होगी उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर प्लांट। तो एक्सटीरियर प्लांट कहो, इंटीरियर प्लांट कहो, या इंटीरियर प्रोड्यूसर या एक्सटीरियर प्रोड्यूसर। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, वे स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी होते हैं। बायो प्रोड्यूसर यानी उत्पाद का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम समझते हैं कंज्यूमर के बारे में। कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर, कंज्यूमर जो दूसरों पर डिपेंड रहता है, डिपेंड ऑन अदर अदर। जैसे इंसान को अगर भोजन ना मिले, चाहे वो वेज हो नॉन वेज हो, ना मिले तो इंसान जिंदा रह पाएगा क्या? सूरज की रोशनी में खड़े होकर के इंसान खुद खाना बना लेगा? नहीं बना पाएगा। तो जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर टेक्निकल टर्म में इसे कहते हैं हेटरोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ, ठीक है, हेटरोट्रॉफ यानी परपोषी। परपोषी, परपोषी, परपोषी। तो जो प्रोड्यूसर है स्वयंपोषी, कंज्यूमर परपोषी। परपोषी मतलब डिपेंड्स ऑन अदर, और प्रोड्यूसर स्वयंपोषी मतलब ऑटोट्रॉफ, जो अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन खुद बनाता है। अब एक कंज्यूमर भी जो होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर, सेकंड ऑर्डर कंज्यूमर, थर्ड ऑर्डर कंज्यूमर, इन्हें को हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी कहते हैं।
जैसे मैं लिखूं फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, या यूं कहूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऑर्डर, तीन तरीके के कंज्यूमर होते हैं। तो जो घास फूस को खाते हैं यानी शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी जो घास फूस को खाते हैं उन्हें हम फर्स्ट ऑर्डर या प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अगर इसमें हम बात करें, कहाँ गया हमारा, ये देखो ये घास है, घास को खा रहा है टिड्डा, टिड्डा क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है, टिड्डा प्राइमरी कंज्यूमर है। उसी तरीके से ये घास है, घास को खा रहा है कौन, रैबिट यानी खरगोश, खरगोश क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, समझ आ रहा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा, सारी की सारी किस में आ जाएंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर या फर्स्ट, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर या फर्स्ट ऑर्डर कंज्यूमर में। तो सिंपल याद रखना है, जितने भी शाकाहारी जानवर या जीव जंतु होंगे वो तो सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खाएगा, जैसे टिड्डा था, टिड्डा घास खाता था, ठीक है, टिड्डा घास खाता था। अब इस टिड्डे को मान लेते हैं कि कोई चिड़िया खा गई, तो चिड़िया क्या हो गई, वो सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई, सेकेंडरी कंज्यूमर। चिड़िया डायरेक्ट घास न खा करके वो किसे खा गई, वो टिड्डे को खा गई, तो चिड़िया सेकेंडरी कंज्यूमर हो गई। अब उस चिड़िया को जो खाएगा, जैसे बाज किसी छोटे मोटे चिड़िया, कबूतर है, कबूतर को बाज आराम से मार देगा, है ना, तो बाज क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा टर्शरी, टर्शरी या तृतीयक की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर में किसे रखेंगे, जो प्राइमरी पर डिपेंड रहता है, प्राइमरी को खाता है, प्राइमरी को, और टर्शरी ये जो होते हैं टर्शरी में, इसमें अब देखो सेकेंडरी में शाकाहारी तो आएंगे नहीं, इसमें आएंगे जो मांसाहारी या इसमें आएंगे सर्वाहारी, यानी कि सर्वाहारी का मतलब क्या है, जो घास फूस भी खा ले और जो मटन मच्छी भी खा ले। तो अगर हम इंसान की बात करें, ह्यूमन किस कैटेगरी में आता है, ह्यूमन सर्वाहारी की कैटेगरी में आता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंसान सिर्फ पूरी तरीके से शाकाहारी है या पूरी तरीके से मांसाहारी है, इंसान सर्वाहारी होता है, क्योंकि इंसान की बनावट अगर देखें तो कुछ इस तरीके से नेचर ने की है कि उसे दोनों सिचुएशन में ढलने की आदत है। जैसे कि जहाँ ऐसी ज्योग्राफी है जहाँ पर खेती वगैरह नहीं हो सकती है, तो वहाँ के लोग जो रहते हैं वो कैटल्स वगैरह पर ही डिपेंड करते हैं, वहाँ मीट पर डिपेंडेंस उनकी ज़्यादा होती है, या कोस्टल एरिया में रहने वाले जो लोग होते हैं वो मछली वगैरह पर डिपेंड रहते हैं। तो सारे के सारे क्या किस कैटेगरी में आ जाएंगे, वो मांसाहारी की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास भी ऐसा एनवायरमेंट या ऐसा ज्योग्राफी मिल जाए जहाँ पर खेती आराम से किया जा सके और फल सब्जियाँ उगाई जा सके सस्ते में, तो वो भी शाकाहारी की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर इंसान मांस खाएगा तो मर जाएगा या साग खाएगा तो मर जाएगा, वो तो दोनों ही सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है, इसलिए इंसान को सर्वाहारी की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। लेकिन जो मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी नॉर्मली, जैसे कि अगर हम बात करें लोमड़ी नॉर्मली वो मांस पर डिपेंड करता है, या जो गीदड़ होते हैं, गीदड़ नॉर्मली मांस को प्रीफर करते हैं। वो कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो हो सकता है कि लोमड़ी जो है घास वगैरह खा ले, लेकिन इनका जो प्रिय भोजन रहता है वो क्या रहता है,
मांस रहता है। तो जो मोस्टली मांस पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम मांसाहारी की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और टर्सरी में वो आते हैं जो स्ट्रॉन्गली मांसाहारी होते हैं, ठीक है। शाकाहारी को क्या कहते हैं? हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। और मांसाहारी को कार्निवोरस, कार्निवोरस। और सर्वाहारी को ओमनिवोरस, ओमनिवोरस। तो जो स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस होते हैं, स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस होते हैं, जैसे शेर, चीता, ठीक है, शेर, चीता, इन सब को किसी भी सिचुएशन में आप शाकाहार नहीं दे सकते। शेर कभी भी घास नहीं खाएगा, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा। इसे क्या चाहिए? इसे किसी भी सिचुएशन में मांस ही चाहिए, ठीक है, मांस ही चाहिए। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ते रहते हैं, कुत्ता, तो कुत्ता कभी कभी घास खाता है, वो तो जानबूझ के भूख मिटाने के लिए घास नहीं खाता है। नेचर ने उन्हें इस तरीके से बनाया है कि जब वो कभी कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो उनके अंदर विष का काम करने लगता है, तो वो उल्टी वगैरह करने के लिए घास वगैरह को खाते हैं, ताकि वो जाकर, क्योंकि घास उन्हें पचेगा नहीं, कुत्ते वगैरह जो होते हैं उन्हें घास पचेगा नहीं, तो जैसे ही वो उसे कंज्यूम करते हैं वो थोड़ी देर बाद उल्टी करते हैं। और उसके बाद देखोगे तो जो उन्होंने कुछ अगड़म बगड़म अगर खा लिया है, जो नहीं पचा है या फिर पॉइजन का काम कर रहा है, वो बाहर आ जाता है और फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कुत्ता भी घास खाने लगता है, वो अलग स्टोरी है। तो समझ में आया? टर्सरी या तृतीय कंज्यूमर की श्रेणी में हम किसे रखेंगे? स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस को। स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस मतलब शेर, चीता वगैरह हो गया, ठीक है, शेर या चीता वगैरह हो गया, ठीक है। या तो फिर जैसे इसमें अगर पक्षियों में रखेंगे तो बाज हो गया, ठीक है, हॉक, ये क्या है, गिद्ध हो गए, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस है, क्योंकि क्योंकि ये कभी भी शाकाहार की तरफ मूव नहीं करेंगे। इन्हें जब भी चाहिए मांस ही चाहिए, मांस ही चाहिए, उसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। और जब ये मर जाते हैं, मतलब कि स्ट्रॉन्ग जो कार्निवोरस होते हैं या तृतीय कैटेगरी के कंज्यूमर होते हैं, जब वो मर जाते हैं, या दुनिया में कोई भी चीज मरता है, तो मरने के बाद अगर उनकी बॉडी वैसे ही रहती तो पोल्यूशन करती, गंध फैलाती, उसमें रोग फैलते, तो उन्हें खत्म करने के लिए आते हैं डीकम्पोजर, ठीक है, डीकम्पोजर। अब इस डीकम्पोजर की वजह से ही हमें साफ सफाई देखने को मिलती है। अगर डीकम्पोजर खत्म हो जाए दुनिया से, डीकम्पोजर यानी कौन कौन, जैसे फंगस हो गए, ठीक है, बैक्टीरिया हो गए, तो ये सारी की सारी चीजें, चीटियां हो गई, ठीक है, और ऐसे कीड़े हो गए, जैसे केचुआ हो गया, केचुआ क्या एक तरीके का डीकम्पोजर है, वो सड़े गले चीजों को खा करके उसे मिट्टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जो किसी भी मरे चीजों पर डिपेंड रहते हैं उन्हें हम कहते हैं मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, यानी वो मरे हुए सड़े हुए चीजों पर ही जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम फंगी, बैक्टीरिया, ऐसे कीड़े जो जैसे चीटी हो गई, चीटी, उसके बाद केचुआ हो गया, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? मृतोपजीवी, या टेक्निकल टर्म में उन्हें हम कहेंगे डीकम्पोजर, क्योंकि ये चीजों को क्या कर देते हैं? खा करके खत्म कर देते हैं, खा करके खत्म कर देते हैं, समझ गया। तो फूड चैन और फूड वेब में, फूड चैन और फूड वेब में कहीं कोई दिक्कत? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में कहीं कोई दिक्कत? कंज्यूमर कितने टाइप के होते हैं? तीन। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। प्राइमरी में किसे रखेंगे? जो शाकाहारी रहेंगे, हर्बीवोरस। और सेकेंडरी में? कार्निवोरस या ओमनिवोरस को। और टर्शरी में? स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कार्निवोरस। अच्छा, जब चाहे वो प्राइमरी मरे, सेकेंडरी मरे या टर्शरी मरे, तो उन तो जो मरने के बाद उन्हें खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी, यानी डीकम्पोजर, डीकम्पोजर, ठीक है, डीकम्पोजर। जैसे कौआ हो गया, कौआ मरे हुए चीजों को खा लेता है, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, गिद्ध हो गए,
अब आगे हम एक नियम पढ़ेंगे, लिंडमान का नियम, कि उन्होंने बताया था कि जैसे कोई भी चीज हम खाते हैं क्यों, हमें एनर्जी चाहिए है ना, हमें क्या चाहिए, एनर्जी। तो हम पहले ये समझते हैं कि लिंडमैन का नियम क्या कहता है। देखो तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ। अभी हमने कंसेप्ट समझा फूड चेन, दूसरा हमने समझा फूड वेव, तीसरा हमने समझा प्रोड्यूसर कंज्यूमर। कंज्यूमर में भी कितने टाइप, तीन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, और फिर हमने पांचवा चीज समझी डी कंपोजर। डी कंपोजर, ये पांच टर्मिनोलॉजी अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें। अब देखो जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। तो एक विद्वान थे, उनका नाम था लिंडमैन, लिंडमैन। इन्होंने कहा था कि हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं उसकी एनर्जी का 10% एनर्जी ही हमारे बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो उस एनर्जी फ्लो को हम कहते हैं लिंडमैन 10% एनर्जी फ्लो लॉ, ठीक है, 10% एनर्जी फ्लो लॉ। यानी कि दुनिया में चाहे वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो, जैसे प्रोड्यूसर भी तो खाना खाते हैं, पेड़ पौधे सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, तो सूरज की रोशनी उनके लिए क्या हो गई, एनर्जी हो गई। तो सूरज की रोशनी जो उनके पास आएगी वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी। अब घास में स्टोर हो गई, घास को जो भी जानवर खाए, बकरी खाए, घोड़ा खाए, गधा खाए, तो घास में स्टोर एनर्जी का सिर्फ 10% एनर्जी ही कहां जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर के पास। अब उस प्राइमरी कंज्यूमर को जो सेकेंडरी खाएगा तो उसका 10% सेकेंडरी के पास जाएगा, और टर्शरी जब सेकेंडरी को खाएगा तो उसका 10% टर्शरी के पास जाएगा, और जब मर जाएंगे वो लोग तो उन्हें जो खाएंगे उसका 10% वो डीकम्पोजर को जाएगा, ठीक है, डीकम्पोजर। आप समझो कैसे होता है। ये कई बार पूछता है कि लिंडमैन 10% एनर्जी फ्लो या एनर्जी ट्रांसफर का जो लॉ है वो क्या है, उसको समझो आराम से। मैं यहाँ स्टेटमेंट में लिखा देता हूँ, स्टेटमेंट क्या है, यहाँ देखो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू लिंडमैन लॉ ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिक फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट हायर लेवल ओनली अबाउट 10% ऑफ द ट्रांसफर्ड एनर्जी इज स्टोर्ड एज प्लस। प्लस मतलब मास, या प्लस का तो नॉर्मल मीनिंग होता है मास, बट आप अपने अंदर समझो कि हमारे अंदर जो भी खाना हमने कंज्यूम किया है उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही स्टोर होता है। तो अगर हमें किसी ने खाया तो उसे हमारी एनर्जी का 10% मिलेगा। तो इसको हम समझते हैं डायग्राम के लिए। जैसे यहाँ ये सूरज है, ठीक है, मैं ये ले लू, तो ये इमेज ले लेता हूँ, तो इसके अच्छे से इमेज देखिए क्या है और है। हाँ ठीक है, यहाँ देखो, जैसे यहां हमने सूरज बना दिया, ये सूरज। अब इस सूरज की एनर्जी, जैसे सूरज की रोशनी आएगी घास के पास, ठीक है, सूरज की एनर्जी मान लेते हैं कि सूरज से 10,000 जो एनर्जी है आई, तो समझने के लिए मैं अमाउंट ले रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ क्राइटेरिया थोड़ी है। 10,000 एनर्जी आई, ठीक है, 10,000 एनर्जी किसके पास पहुंची, घास। घास क्या है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पास, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर के पास।
और सूरज सूरज का ये 10,000 एनर्जी घास में स्टोर हो गया, ठीक है, घास में स्टोर हो गया। क्या लगता है कि अगर सूरज से निकला है 10,000 एनर्जी, तो ये 10 का 10,000 प्रोड्यूसर में स्टोर होगा, 10 का 10,000 प्रोड्यूसर में स्टोर होगा? हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब घास तो पहला वो प्रोड्यूसर ही है ना, जो सूरज की सूरज थोड़ी घास को खाने जा रहा है, सूरज की रोशनी में तो घास अपना खाना खुद बना रहा है, तो जितना का जितना एनर्जी आएगा सूरज से वो सारा का सारा स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, ठीक है, सारा का सारा स्टोर हो जाएगा। चलो अब इस घास को अगर हम यूं समझे, इस घास को खाया किसने, इस हिरन ने, हिरन ने, तो अगर घास के पास 10,000 एनर्जी स्टोर है, 10,000 एनर्जी स्टोर है, तो 10,000 का 10% एनर्जी ही जाएगा इसके पास, किसके पास, हिरन के पास। तो 10,000 का 10% निकालो कितना हो जाएगा, 10 खत्म, 1,000, यानी 1,000 एनर्जी किसके पास चला गया, 1,000 एनर्जी चला गया इस हिरन के पास, इस हिरन के पास। ये हिरन क्या हो गया, हिरन हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर। अब मान लो कि इस हिरन को खाया किसी गीदड़ ने, गीदड़ है ना, गीदड़, तो हिरन के पास 1,000 एनर्जी थी। अब इस 1,000 एनर्जी का 10% यानी 10 और चला जाएगा, 100 एनर्जी पहुंच जाएगी किसके पास, गीदड़ के पास, गीदड़ के पास। इस गीदड़ को मार दिया शेर ने, गीदड़ सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया और शेर क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर। तो गीदड़ के पास 100 एनर्जी था, 100 का 10% यानी 10 एनर्जी पहुंचेगा किसके पास, 10 एनर्जी पहुंचेगा शेर के पास, 10 एनर्जी पहुंचेगा शेर के पास, ठीक है, शेर के पास। क्लियर हुआ? तो हम ये देख रहे हैं कि जो एनर्जी का फ्लो है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, जैसे जैसे कंज्यूमर का ऑर्डर बढ़ रहा है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, वो एनर्जी का फ्लो घटते जा रहा है, अमाउंट घटते जा रहा है। इसलिए जो भी टर्शरी कंज्यूमर होंगे या सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, इनको भूख जल्दी जल्दी लगता है। गाय भैंस को आप देखो दिन में खाते रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं वो लोग, है ना। आदमी उतना तो नहीं खाता, आदमी दिन में 2 बार खा लेता है रात दिन मिला करके। तो आदमी के जो आदमी होता है, इंसान होता है, इंसान को अपनी भूख पर तो कंट्रोल होता है, क्योंकि हम कॉन्शियस रहते हैं, हमें पता है भूख लगी है तो कंट्रोल करना है नहीं करना है। लेकिन जानवरों में उतना कॉन्शियसनेस होता नहीं है, उन्हें भूख लगी तो खाना चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं। इसीलिए जिसके पास जब एनर्जी कम जाएगी तो इन्हें भूख अधिक लगेगी, इन्हें भूख अधिक लगेगी। अब मान लो शेर मर जाता, शेर मर जाता, तो शेर को भी डीकम्पोज करने वाले जो डीकम्पोजर होते हैं, डीकम्पोजर यानी फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, गिद्ध हो गए, कौवे हो गए, इन लोगों के पास जब ये लोग इनको खाएंगे तो इनके पास कितनी एनर्जी जाएगी, एक एनर्जी जाएगी। तो अगर पूछेगा कि सबसे अधिक एनर्जी किसके पास रहता है, तो प्रोड्यूसर के पास, सबसे अधिक एनर्जी प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर के पास, और सबसे कम एनर्जी तो डीकम्पोजर के पास, डीकम्पोजर के पास, ठीक है, डीकम्पोजर के पास। लेकिन ये तो हमने एनर्जी की बात कर ली, अगर यही चीज पॉइजन कर दें, पॉइजन यानी जहर, तो जहर इसी का रिवर्स हो जाता है, यानी रिवर्स का मतलब कि सबसे कम इफेक्ट करेगा वो प्रोड्यूसर को और सबसे अधिक इफेक्ट करता है वो डीकम्पोजर को। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कि घास है, घास पर आपने कोई दवाई छिड़की 1 लीटर, और उस 1 लीटर में, 1 लीटर में जो है 100 जहर के पार्टिकल थे, ऐसा मान के चलते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो अब घास इतना सारा है, उस घास को जो हिरन होगा या बकरी होगी वो तो ऐसे नहीं कहेगी कि मैं घास की 1 पत्ती खाऊंगी, वो भरपेट घास खाएगी, और जितना अधिक घास खाएगी उतना अधिक उसके अंदर जहर जाएगा,
उसके अंदर जहर जाएगा। उसी तरीके से इस हिरण को मारने वाला गीदड़ ऐसा नहीं कहेगा कि मैं सिर्फ हिरण का टांग खाऊंगा या हिरण का कान खाऊंगा, पूरा का पूरा हिरण समेटेगा। तो पूरा हिरण जब समेटेगा तो पूरे हिरण के अंदर जितनी भी पॉइजन रहेगी वो सारी की सारी चली जाएगी उसके अंदर गीदड़ के। उसी तरीके से गीदड़ को खाया शेर ने, तो शेर का बॉडी पड़ा है तो पॉइजन बड़े शरीर में जाएगा और अधिक अमाउंट में फैलेगा। और इस शेर को जब ये शेर मर जाएगा, इस शेर को अगर कोई कौवा खाया, गिद्ध खाया है, या फिर कोई बैक्टीरिया खाया, जो भी चीज खाएगी, चींटी खाई, उन लोगों का शरीर छोटा छोटा, और वो लोग एक शेर में तो कई लाख चींटियों का पेट भर जाएगा। तो सोचो तो एक शेर के अंदर जहर इतना अधिक फैल चुका है कि उसको खाने वाली कई लाख चींटियां मर जाएंगी है? तो क्योंकि जैसे जैसे हम डीकम्पोजर की तरफ बढ़ते हैं, डीकम्पोजर का शरीर का साइज छोटा हो जाता है, लेकिन जो जहर होता है, जहर उनमें ज्यादा प्रभाव दिखाता है, है ना? जहर उनमें ज्यादा प्रभाव दिखाता है, क्यों? क्योंकि वो बड़े लार्ज एरिया में फैल चुका रहता है, लार्ज एरिया में फैल चुका रहता है। हमने डाला घास पर, घास को खूब भरपेट खाया हिरण ने, हिरण को खाया गीदड़ ने, गीदड़ को खाया शेर ने, और शेर फिर खाएंगे कई चीजें, कई चीजें। अब मान लेते हैं कि एक गीदड़ जो थे, अब एक ही गीदड़ पूरे हिरण को नहीं खाया होगा, दो चार गीदड़ खाए होंगे, तो दो चार गीदड़ मरेंगे। अब दो चार जो गीदड़ थे उनको एक शेर ने खा करके चार पांच शेर खाए होंगे, तो चार पांच शेर मरेंगे, और चार पांच शेर को खाने के लिए कई सैकड़ों जो गिद्ध होंगे, कौवे होंगे या चीटियां होंगी, तो वो सारी की सारी मरेंगी। तो लिंडमान का नियम याद रखना, जब कभी भी एनर्जी फ्लो की बात करेगा तो एनर्जी फ्लो में एनर्जी कम होती जाती है डीकम्पोजर की तरफ, लेकिन जैसे ही वो पॉइजन की बात करेगा तो पॉइजन अधिक होते जाता है डीकम्पोजर की तरफ। ठीक है, तो सबसे अधिक पॉइजन किसको एक्सेप्ट करेगा? डीकम्पोजर को, और सबसे कम पॉइजन प्रोड्यूसर को, सबसे कम पॉइजन प्रोड्यूसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम यूं समझते हैं कुछ पिरामिड्स के बारे में, कि हम अगर हमें पिरामिड्स, अब बेसिकली पिरामिड्स बताते क्या हैं, जैसे जब हम किसी चीज का पिरामिड बनाते हैं, जैसे फूड पिरामिड अगर हम कहें, फूड चेन का पिरामिड, तो पिरामिड का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, ट्रायंगुलर, ऊपर जाकर के पतला होता है और नीचे बड़ा होता है, नीचे बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो बड़ा है इन द सेंस इसका एरिया अधिक है, इसमें हम उन चीजों को रखेंगे, फूड चेन। ये पिरामिड में किसका बता रहा हूँ? फूड चेन का, फूड चेन का। तो नीचे एरिया अधिक है, तो अधिक अमाउंट में कौन होते हैं, क्या प्रोड्यूसर ज्यादा है या कंज्यूमर? इस धरती पर पेड़ पौधे ज्यादा हैं, जानवर ज्यादा हैं, क्या ज्यादा है? घास फूस ज्यादा है, क्या ज्यादा है? जाहिर सी बात है, पेड़ पौधे घास फूस ये ज्यादा है ना। तो यहाँ जो पहला ये खाना दिखता है, पहले खाने में नीचे की तरफ हम रखते हैं प्रोड्यूसर्स को, इसको रखते हैं प्रोड्यूसर, यानी पेड़ पौधे घास इन सबको रखेंगे हम निचले पायदान में, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर के बाद इनको खाने वाले जो रहेंगे, प्रोड्यूसर को खाने वाले को हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर। तो सेकेंडरी में आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो संख्या होता है वो प्रोड्यूसर से कम होता है। अगर कभी ऐसा हो गया कि कंज्यूमर की संख्या प्रोड्यूसर से अधिक हो गई, तब सारे कंज्यूमर मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अगर घास फूस से अधिक जानवर हो जाएंगे तो जानवर खाएंगे क्या? फिर उनमें सजातीय संघर्ष चालू हो जाएगा, सब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर सब शाकाहारी हुए तो भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए कंज्यूमर की जो संख्या होती है वो कम रखनी पड़ती है। और उसके बाद सबसे कम जो संख्या होती है वो होती है डीकम्पोजर की, इसकी डीकम्पोजर। तो सबसे ऊपर कौन रहेगा? डीकम्पोजर, डीकम्पोजर। एक बात बताओ, ये जो फूड चैन है ये हमें तो कई जगह देखने को मिल सकता है, जैसे एक तो जमीन पर, लैंड, लैंड भूभाग जमीन पर, दूसरा ओशियन, ओशियन कहने का मतलब वाटर में, यहाँ लिख देता हूँ वाटर,
वाटर में लिख दूं ओशियन, जो समुद्र होता है समुद्र में भी तो एक फूड चेन चलता है, बड़ी मछली छोटी मछली डायटम है, वहां पे फ्लोरा जो होते हैं कोरल्स होते हैं है ना, वहां पर भी अंदर पेड़ पौधे होते हैं, तो ओशियंस में भी हमें फूड चेन देखने को मिलता है। उसी तरीके से धरती पर जब हम डेजर्ट देखते हैं, डेजर्ट, अब डेजर्ट का मतलब सिर्फ गर्म रेगिस्तान ही नहीं होता है, ऐसा कोल्ड एरिया जहां पर कुछ उत्पन्न नहीं हो पाता है, कुछ प्रोड्यूस नहीं हो पाता, उसे भी डेजर्ट कहते हैं। तो डेजर्ट भी दो टाइप के होते हैं ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, कोल्ड डेजर्ट होता है वार्म डेजर्ट होता है ना, जैसे टकला मकान मरुस्थल जो चाइना में है, चाइना का, चाइना में तो ठंड पड़ती है तो वो कोल्ड डेजर्ट के अंडर आ जाएगा है? आपका अंटार्कटिका एक तरीके का वो भी डेजर्ट है क्योंकि तो वहां पर भी कुछ प्रोड्यूस नहीं होता, कोल्ड डेजर्ट में आ जाएगा। वहीं अगर हम सहारा की बात करेंगे तो वार्म डेजर्ट है, भारत में थार है वार्म डेजर्ट है, भारत में वो सियाचिन या लद्दाख है, सियाचिन की बात करेंगे तो कोल्ड डेजर्ट के अंडर आ जाएगा है ना। तो डेजर्ट में भी हमें फूड चेन देखने को मिलेगा, लैंड जमीन पर भी फूड चेन देखने को मिलेगा और पानी में भी फूड चेन देखने को मिलेगा। जब हम जमीन की बात करते हैं तो जमीन पर ये जो पिरामिड बनता है ये सीधा बनता है, सीधा क्योंकि पिरामिड तो ऐसा ही होता है ना, इसको हम कहते हैं सीधा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम ओशियन या डेजर्ट की बात करें तो ये पिरामिड उल्टा हो जाता है, ओशियन या डेजर्ट में ये पिरामिड उल्टा हो जाता है। उल्टा होने का मतलब क्या है, यहां पर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो सबसे कम होते हैं, प्रोड्यूसर सबसे कम होते हैं, उनसे अधिक होते हैं कंज्यूमर, कंज्यूमर, और उनसे अधिक होते हैं डीकंपोजर, डीकंपोजर। इसलिए आप अगर डेजर्ट में देखोगे तो रेगिस्तान में पेड़ पौधे बहुत नाम मात्र के होते हैं लेकिन उन्हें खाने वाले बहुत अधिक होते हैं, पशु पक्षी जो जानवर होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब जानवर क्योंकि पेड़ पौधे कम है तो जानवर भी कम ही रहते हैं, बट एज कम्पेयर टू पेड़ पौधों के जानवरों की संख्या अधिक देखने को मिल जाती है क्योंकि वहां फिर शाकाहारी नहीं मांसाहारी जानवर मिल जाएंगे जो कीड़े मकोड़ों को खाएंगे, जैसे सांप हो गए, अलग अलग तरीके के बिच्छू हो गए, ये सब होंगे। फिर उन्हें खाने वाले जो गिद्ध होते हैं, गिद्ध मडराते रहते हैं ऊपर, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस हो गए, ये सारे के सारे। तो डेजर्ट याद रखना, डेजर्ट और ओशियन यानी समुद्र में जो फूड चेन का पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, उल्टा को हम कहते हैं इनवर्टेड, 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 इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब यहाँ नीचे जो सबसे छोटी जगह में होंगे वो होंगे प्रोड्यूसर, उसके बाद अधिक होंगे कंज्यूमर और उसके बाद अधिक होंगे डीकंपोजर। लेकिन वही अगर जमीन की बात करेंगे तो जमीन पर जो पिरामिड बनता है वो सीधा बनता है, वो सीधा बनता है फूड चेन का पिरामिड। वहां नीचे जो सबसे अधिक एरिया होता है वहां होते हैं प्रोड्यूसर, घास पेड़ पौधे, उसके बाद आते हैं कंज्यूमर और सबसे कम मात्रा में होते हैं डी। इतना क्लियर हो गया, अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट देखते हैं।